Hello friends, in previous lecture we have discussed about Dr. Edgar F. Code. Edgar F. Code के rules बारे हमने discuss किए थे, उससे पहले हमने relational model के बारे में discuss किया था, उसके आगे हमने database management system के बारे में discuss किया था। आज हम जो discuss करने जा रहे हैं वो concept इन सारे concepts के आधारित ही है, जिसका नाम है relational database management system। क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर जो हम यूज करने वाले, मानी जो हम हमारा जो आपके सिलेबस में जो टाइटल दिया गया है सब्जेक्ट का, RDBMS यूजिंग ओरेकल, मानी आपको ओरेकल यूज करना है एज अ सॉफ्टवेयर फॉर विच इज कॉल्ड एज RDBMS टू मैनेज योर डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस। फॉर दैट द सिस्टम यू टू यूज एज ए ओरेकल। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। हालांकि ये याद रख लेना कि भाई आपको ये ना नॉलेज होना चाहिए प्रीवियस लेक्चर्स का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज कॉल्ड द DBMS। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द डेटाबेस मॉडल, इन दैट द वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल व्हिच इज गोइंग टू बी यूज्ड प्रेजेंटली, दैट इज द रिलेशनल मॉडल व्हिच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द डॉक्टर एडगर एफ कोड, और डॉक्टर एडगर एफ कोड के 12 रूल्स, बराबर है, जिसको जिस जो सॉफ्टवेयर ये फुलफिल करता है मैक्सिमम उसको बोलते हैं RDBMS। और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल एज इंट्रोड्यूस्ड बाय द डॉक्टर एडगर एफ कोड। देखो पहली लाइन में बोल दिया, जो मैंने अभी मैंने रिवाइज आपको करके दिया प्रीवियस लेक्चर्स का, कि डॉक्टर एडगर एफ कोड ने जो रिलेशनल मॉडल दिया था उस पे अगर उसके आधारित कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर काम करती है तो उसको क्या बोला जाता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन रिलेशनल मॉडल डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द रोज, दैट इज कॉल्ड द ट्यूपल्स, ओके, और टपल्स। ओके, रिलेशनल मॉडल होता है उसमें डेटा कैसे रिप्रेजेंट होता है, रोज पे आधारित होता है। RDBMS स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेटेड टेबल्स, याद रख लेना। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में फर्क क्या होता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे कि FoxPro, उसमें जो डेटा टेबल्स के अंदर स्टोर होता था, दैट विल बी नॉट बी स्टोर एज अ टेबल बट दैट विल बी स्टोर एज अ डेटाबेस फाइल। और अगर जैसे एक टेबल और दूसरे टेबल के बीच में प्राइमरी की और फॉरेन की डाल के आप रिलेशनशिप क्रिएट करते हो और रिलेटेड डेटा स्टोर करते हो, वैसा FoxPro में नहीं होता था, क्योंकि वो डेटाबेस फाइल की तरह स्टोर होता था, उसके अंदर डेटा टेबल के स्वरूप में नहीं होता था और रिलेशनशिप क्रिएट होती थी कमांड के माध्यम से, सेट रिलेशन कमांड, उसमें कमांड इस्तेमाल होता था। जबकि ओरेकल के अंदर स्ट्रक्चर लेवल पे रिलेशनशिप क्रिएट होती है, जैसे कि फादर मदर चिल्ड्रन आर देयर, ओके, सो सिस्टर इज देयर ब्रदर इज देयर, सो दे आर गोइंग टू बी ऑन द स्ट्रक्चर लेवल बिकॉज द फादर एंड मदर देयर चिल्ड्रन आर देयर, सो दिस आर कॉल्ड द स्ट्रक्चर लेवल। ओके, तो स्ट्रक्चर लेवल पे रिलेशनशिप उनकी होती है। ओके, मानी यहाँ पे अगर कोई सॉफ्टवेयर है वो RDBMS है तो उसमें जो टेबल होते हैं वो टेबल के बीच में रिलेशनशिप किस पे होती है, स्ट्रक्चर लेवल पे। और स्ट्रक्चर लेवल में कैसे होती है, कंस्ट्रेंट्स के आधार पे, मानी प्राइमरी की एंड फॉरेन की, वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स आर प्राइमरी की एंड फॉरेन की। प्राइमरी की और फॉरेन की के आधार पे आप डेटा टेबल्स के अंदर रिलेटेड स्टोर कर सकते हो, जिससे फिर आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि वो डेटा गलत जाएगा एंटर, अगर आप गलत डेटा डालोगे तो भी आपको क्या मिलेगी, एरर मिलेगी, मीन्स आपको फोर्सफुली रिलेटेड डेटा ही स्टोर करने पे मजबूर कर देगा। अगर कोई सिस्टम रिलेटेड टेबल्स में डेटा रिलेटेड स्टोर करने की अगर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज अ पावरफुल बिकॉज दे रिक्वायर्स फ्यू अजम्पशंस अबाउट हाउ डेटा इज रिलेटेड और हाउ इट विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डेटाबेस। RDBMS इतना पावरफुल होता है तो स्ट्रक्चर लेवल पे उसकी रिलेशनशिप होती है, इसलिए फिर आपको ज्यादा ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि भाई डेटा रिलेटेड स्टोर होगा कि नहीं। और अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो आप दोनों टेबल जो रिलेटेड है उसमें से आप एक्सेस भी डायरेक्टली कर सकते हो यूजिंग क्वेरी कंसेप्ट। एज अ रिजल्ट द सेम डेटाबेस कैन बी यूज्ड इन मेनी डिफरेंट वे यूज, बराबर से। आप एक ही टेबल एक ही डेटाबेस को अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेरी लिख के आप अलग अलग तरीके से उसका आउटपुट देख सकते हो, बिकॉज द आउटपुट विल बी द व्हाट, logical output will be there, it will not be physical. Okay, next, an important feature of relational system is that single database can be spread across several tables. Okay, याद रख लेना, relational database management system का बेहतरीन important point क्या होता है,
आप अपने डेटाबेस को एक डेटाबेस को एक से ज्यादा टेबल में डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि ये चीज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं था। क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कोई भी टेबल होता था वो फाइल के स्वरूप में स्टोर होता है, और फाइल होती है उसको आप अलग अलग फाइल्स में स्प्लिट नहीं कर सकते थे, बराबर हो भी नहीं सकती है। वो चीज होता था फोक्सो वगैरह डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में, जबकि ओरेकल वगैरह जो भी आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, चाहे फिर एसक्यूएल सर्वर हो या माईएसक्यूएल है, उसमें आप अपने डेटाबेस को क्या कर सकते हो, अलग अलग टेबल्स में, एक ही डेटाबेस को अलग अलग टेबल्स में डिवाइड कर सकते हो। क्योंकि डेटाबेस को क्या बोला जाता है, इट्स डेफिनेशन इज डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और कलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो आप एक से ज्यादा टेबल में डेटा स्टोर कर सकते हो, और उसका एक क्या होता है, डेटाबेस होता है जो बहुत सारे टेबल को कंटेन करता है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ व्हाट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। The first release did RDBMS that was relatively faithful implementation of the relational model was the Multics relational data store first sold in 1978. हालांकि हमको अभी Oracle के साथ काम करना है और future के RDBMS के बारे में हमको discuss करना चाहिए, लेकिन आपके जानकारी के लिए ये भी जानना जरूरी है कि Oracle ये product है वो सबसे पहले market में नहीं है। सबसे पहले market में जो sold हुई थी वो थी 1978 में, जिसका नाम था मल्टिक्स रिलेशनल डेटा स्टोर। दैट वाज द फर्स्ट रिलीज ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मानिए ऐसी सिस्टम थी जो रिलेशनल मॉडल डॉक्टर ईएफ कोड के और डॉक्टर ईएफ कोड के जो रूल्स थे उसको मैक्सिमम फॉलो करती थी, और ये सबसे पहले वो मार्केट में लॉन्च हुई थी 1978 में। अदर हैव बीन ब्रैकली इंग्रेस क्यूएल एंड आईबीएम बीएस12, दीज आर ओल्ड प्रोडक्ट्स विच वी आर कंसीडर एज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन अभी की जो पॉपुलर है, जिसका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा या आप उससे वाकिफ होंगे, बराबर है, मानिए आप परिचित होंगे, सॉरी, वो क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स फॉर लार्ज डेटाबेसेस इंक्लूड ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, सीबीएस एसक्यूएल सर्वर, आईबीएम डीबी2, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्री ओपन सोर्स आरडीबीएमएस आर माईएसक्यूएल एंड पोस्टग्रेएसक्यूएल। अब यहाँ याद रख लेना, दो प्रकार के आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट्स है, जो एक ओपन सोर्स होता है, मानिए आप डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हो, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो उसका लाइसेंस वर्जन, और उसको आप इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, सीबीएस एसक्यूएल सर्वर है, आईबीएम का डेटाबेस 2 डीबी2 है, ये सारे लाइसेंस वर्जन आपको परचेस करने पड़ते हैं, दे आर नॉट द ओपन सोर्स। व्हाइल द माईएसक्यूएल एंड पोस्टग्रेएसक्यूएल आर द व्हाट, you have to define the column with the data type and size. On the basis of columns, you will create the rows. So, a relational database, a table is collection of data elements organized in the terms of rows and columns. You can see in this figure, here you can see, this is the structure of the table is there, here the ID is there. So, you can see here all IDs are there, here the all names are there, here you can see all employees' age are there. Then your all employees who are getting the salary, they are going to be stored here. So you can see this is the proper structure is there where the data are going to be stored. And you can see these are the columns are there, where the column will contain the all similar type of data. Okay, salary then salary, age then age, name then name. And if you want to get the information, then this is the Adam information is there, where its ID is there, its name is there, age is there and salary is there. So this is called what? It's a proper structure is there where you are able to store the data in a proper manner. So, RDBMS में जो भी डेटा स्टोर होता है वो टेबल फॉर्मेट में प्रॉपर इस टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होता है। टेबल की बात करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, हालांकि इस लेवल पे हमको ये डिस्कस करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी डिस्कस कर ले कि व्हाट इज रो और रिकॉर्ड। तो सिंगल एंट्री इन अ टेबल इज कॉल्ड एज रो, और रिकॉर्ड इन अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ रिलेटेड डेटा। ये देखो यहाँ पे आपको सारी आपको ये इसको रो बोली जाती है, ये पूरा का पूरा आपको किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो कि एडम की, एडम का एम्प्लॉय आईडी क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी सैलरी क्या है। ओके, व्हाइल व्हाट इज कॉलम, अ कॉलम इज व्हाट, अ कॉलम इज देयर वेयर द सिमिलर वैल्यू विल बी देयर। ओके, इट कंटेन्स द सेम टाइप ऑफ वैल्यूज। अ टेबल कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल रिकॉर्ड्स, ईच रिकॉर्ड कैन ब्रोकन इनटू सेवरल स्मॉलर एंटिटीज नोन एज द फील्ड्स, फील्ड्स मींस कॉलम्स। यू कैन सी दिस नेम कॉलम कंटेन्स ऑल द एम्प्लॉयज नेम। ओके, सो
Here we are going to conclude with the today's lecture as RDBMS, what is table, rows and columns. Thank you.